पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसको रूटीन मेथड पूरा बताया है, लास्ट तक इसको ले गए। अगर आपको रूटीन मेथड सीखना है तो आप पिछले वाले वीडियो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में देख सकते हैं। हम लोग पहले शॉर्टकट से करना चाहेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में, एक बार हम लोग वन रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कॉस थीटा की वैल्यू सपोज हमने क्या मानी, वन रख दी यहाँ पे। माइनस थ्री बाई टू प्लस टू, वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू, यहाँ पर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू का स्क्वायर, हाँ तो टू इंटू नाइन बाई फोर। जब हम लोग एलसीएम लेंगे फोर, तो यहाँ माइनस सिक्स, यहाँ एटीन, कितना आ जाएगा, ट्वेल्व अपॉन फोर। तो हमारी वैल्यू क्या आई, थ्री आ गई। अब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन लेते हैं, तो यहाँ पे आया माइनस थ्री बाई टू, टू टाइम्स माइनस वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो यह आया माइनस थ्री बाई टू। ये हमारा माइनस वन बाई टू, उसका स्क्वायर वन बाई फोर, तो टू बाई फोर। यहाँ पे हमारा एलसीएम टू आ गया, तो माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस टू बाई टू, क्या आया, माइनस, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग देखिए, अब यहाँ ध्यान दें, ये थ्री आई और ये माइनस वन आई, मतलब हमें चाहिए ग्रेटर देन। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू पे जा रहे हैं, तो थ्री आई और माइनस वन आई, तो मतलब इनमें से नीचे वाली वैल्यू क्या है, माइनस वन, मतलब उससे नीचे नहीं हो सकती है। ग्रेटर मतलब सबसे बॉटम पे जाएंगे, बॉटम के बाद सबसे बॉटम हमें ढूंढना है, यानी सबसे नीचे वाला स्तर जो ढूंढना है। तो इससे और इसमें सबसे बॉटम कौन सा है, माइनस वन। अब देखते हैं क्या इससे नीचे भी आ सकता है। तो ध्यान दें कि माइनस थ्री बाई टू में ये चीज़ जुड़ रही है, ये चीज़ क्या है, और ये पॉजिटिव फैक्टर है, क्या है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर है, ये एक ऐसे टर्म जो पॉजिटिव है। तो इस चीज़ को ये आगे बढ़ाएगा, ऊपर ले जाएगा, पॉजिटिव तो इसको ले जाएगा। जब ये कुछ ना कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वैल्यू क्या हो गई, माइनस थ्री बाई टू, मतलब माइनस वन पॉइंट फाइव, यानी इससे भी बॉटम पे चले गए। माइनस वन पॉइंट फाइव इससे बॉटम पे होगा, क्या ये हट पाएगा, ये जीरो हो पाएगा? ये जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा प्लस वन बाई टू की वैल्यू क्या हो, और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई टू, क्या हो सकती है, हो सकती है कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई टू भी होती है और माइनस वन बाई टू भी होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो हो सकती है, ये वैल्यू जब जीरो होगी, सबसे कम वैल्यू ये जीरो ही होगी, क्योंकि किसी वैल्यू का स्क्वायर या तो जीरो या उससे बड़ा होता है, तो ये जीरो या उससे बड़ा ऐड होगा इसमें। तो जब जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो सबसे कम होगी, मतलब बॉटम पे होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, का मतलब इससे अब वैल्यू बड़ी मिलने वाली है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, माइनस थ्री बाई टू। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर थ्री कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, देन साइन थ्री एक्स अपॉन साइन थ्री वाई की वैल्यू बतानी है, वन माइनस वन जीरो नन, इसकी वैल्यू बतानी है। हमने इसको आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इधर हमने फॉर्मूला लगाया कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। इन दो फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले फार्मूले को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसको यहाँ लगा दिया, इस वाले फार्मूले को जो एक्सप्लेन किया उसको यहाँ अप्लाई किया। आप उसको ध्यान दें, ये फार्मूले आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आएगा, टू से टू हमने कैंसिल कर दिया। कभी भी जब भी आप सोल्यूशन निकाल रहे हो तो आप कभी भी वेरिएबल को कट नहीं करेंगे, ये अगर गलती करते हैं तो बहुत बड़ी गलती। एक हमने कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया कि नंबर को नंबर से काटा, बट वेरिएबल को वेरिएबल से। हम लोग देखो इसको इधर ले आए, यहाँ ले आए इस साइड, जो कट रहा था उसी को हमने कॉमन लिया, बेसिकली कॉमन ले लिया। तो
तो यहाँ कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस थ्री साइन एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर जीरो। अब कोई भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट जीरो है तो वो अलग अलग जीरो होंगे, तो ये जीरो हुआ साइन एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर जीरो। तो जीरो तभी होगा जब थीटा उसका क्या हो, तो एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्स बराबर माइनस वाई आ जाएगा, यानी एक दूसरे के क्या हैं ये अपोजिट, वाई बराबर क्या है माइनस एक्स। तो जो हमारा दिया गया है साइन थ्री एक्स अपॉन साइन थ्री वाई, तो साइन थ्री एक्स साइन थ्री वाई की जगह क्या रख दें माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया साइन थ्री एक्स अपॉन साइन माइनस रेस। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन माइनस साइन थ्री एक्स, तो कट के क्या आया ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था क्या उसी को अगर काट देते आप ऐसे ऐसे तो आंसर आपको मिलता नहीं मिलता, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आप सबसे पहले करते हैं मतलब जो आप काट देते हैं वेरिएबल को वही आंसर दे रहा था, उसको आपने हटा दिया तो आंसर यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में देखा जाए कोई दम नहीं थी, बट देखा जाए तो ये क्वेश्चन स्ट्रांग क्वेश्चन है, आप एक गलती को सुधार लेंगे कॉन्सेप्ट को सीख लें ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये बहुत ही टफ हो जाए, आप सॉल्व भी ना कर पाएँ, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे एंगल लिए गए जो नोन एंगल नहीं है, ऑप्शन में भी ऐसे एंगल ले लिए गए जिनकी वैल्यू आप फाइंड ना कर पाएँ। इसको हम लोग इतना से सॉल्व करते हैं, जहाँ पर भी कॉट दिया गया है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉस 76 डिग्री अपॉन साइन 76 डिग्री, यहाँ पे कॉस 16 डिग्री अपॉन साइन 16 डिग्री, ऐसे यहाँ नीचे भी कॉस 76 डिग्री अपॉन साइन 76 डिग्री, यहाँ पे कॉस 16 डिग्री अपॉन साइन 16 डिग्री। आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन 76 डिग्री साइन 16 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन 76 डिग्री साइन 16 डिग्री और प्लस कॉस 76 डिग्री और कॉस 16 डिग्री अपॉन, नीचे भी एलसीएम वही आ जाएगा साइन 76 डिग्री साइन 16 डिग्री। जब आप इसको इधर ले जाएंगे कॉस 76 डिग्री साइन 16 डिग्री प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन 76 डिग्री और कॉस 16 डिग्री, ये से कट गया। ये थ्री टाइम्स है, इसको देखो हम लोग इतना से दो टू टाइम्स टू साइन 76 डिग्री साइन 16 डिग्री प्लस वन टाइम्स साइन 76 डिग्री साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 76 डिग्री कॉस 16 डिग्री अपॉन, यहाँ पर साइन 76 डिग्री कॉस 16 डिग्री प्लस कॉस 76 डिग्री और साइन 16 डिग्री। यहाँ पर इस स्टेप को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये थ्री टाइम्स है, थ्री टाइम्स में टू टाइम्स यहाँ ले गए और वन टाइम यहाँ ले गए। देखिए इससे क्या है कि हमें फार्मूले देखने लगे, वो फार्मूले हम रिवाइंड करें कौन कौन से लगाने वाले हैं हम लोग, टू साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, बाकी आपको फार्मूला पता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक है। तो सारे फार्मूले हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए माइनस बी करेंगे, 76 से 16 गया तो कॉस 60 माइनस कॉस ए प्लस बी, 76 से 16 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा कॉस 92 आ जाएगा प्लस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी, तो 76 माइनस 16 आ गया, यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी तो साइन ए प्लस बी साइन 76 डिग्री प्लस 16 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दें कॉस 60 हो गया और ये कॉस 60 हो गया, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 इसकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2 ऐड होगा 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पे आया 1 माइनस कॉस 92 अपॉन साई 92। अब इसको डायग्राम में बता देते हैं आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाफ एंगल में चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाफ एंगल में क्या आएगा, टेन टेन थीटा बाई टू या कॉट थीटा बाई टू, बोलो टेन थीटा बाई टू, श्योर है ना, ये डाउट में बोलो, चेक कर लिया जाए, चलो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इससे कट गया ये, इससे कट गया, इससे कट गया, वेरी गुड, दैट इज अ कॉन्फिडेंस, आप उसको ध्यान दें। तो सीधे यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, तो 92 का हाफ कितना होगा 44 डिग्री, तो आपका आंसर कौन सा आया, बी ऑप्शन, कितना होगा इसका हाफ क्या आ जाएगा 44 या 46, हाँ 46 आ गया। अब 46 tan 46 इसमें है नहीं है, tan 46 नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 44, tan 90 माइनस 44 cot 44, तो ए आ गया। तो जल्दबाजी में जल्दबाजी ना करें, ठीक है, हमारी गलती होगी तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, आप लोग हमें रिमाइंड करा सकते हैं, और हो सकता है एग्ज़ाम में आपकी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाए, बड़ी मिस्टेक हो जाए। इजी क्वेश्चंस थे, आज का सेशन बहुत ही रिलेवेंट इम्पॉर्टेंट था, अगर आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ऐसे ही कर कर के धीमे से धीमे धीमे हमने बोला कि हम उन पर फोकस कर रहे हैं जो एज ए कोर्स दूर बैठे हुए हैं, मावला क्लासेस के टच में नहीं आ पा रहे हैं, किसी भी कारणवश वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बस आपको करना क्या, एक टेक्स्ट बुक लेनी रहनी है, और हम लोग रेगुलरली, ये कमिटमेंट है कि रेगुलरली कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो उसको लास्ट तक ले जाएंगे, बट आपको पेशेंस रखना होगा, शॉर्टकट पे भी ध्यान नहीं देने, कुछ भी ऐसा कोई भी ट्रिक्स नहीं लगा रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि देखते ही आंसर आ जाए, आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको भी इतना से पढ़ना होगा, हम बहुत ज़्यादा लोगों पर फोकस नहीं है, वही लोग रेगुलर और कॉन्टिन्यूस वही लोग हो पाते हैं जो हाईली डिटरमाइन है, तो हमें उनसे उम्मीद है जो हाईली डिटरमाइन है, आप फॉलो करते जाइए, लास्ट तक इसको ले जाएंगे, पूरी मैथ्स को लास्ट तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट पर भी बात करेंगे, और उसके बाद एक सीरीज ऐसी भी लॉन्च करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी लाएंगे जो एग्ज़ाम में आए, हमारे पास लगभग 9 मंथ्स हैं और इसमें अच्छे से तैयारी हो सकती है, तो आप पेशेंसली इत्मीनान से वॉच करिए और क्वेश्चंस को लगाइए, भड़बड़ में नहीं, बहुत ही इत्मीनान से आपको एक टॉपिक को 1 वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, आगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि आपका बिल्डिंग ब्लॉक बढ़े, आप क्वेश्चंस को कर पाएँ, ठीक है, आगे फिर से कल एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है।